हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सृष्टि। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें कभी भी सोने वक्त नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि हम दिन भर बिजी रहते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर थॉट्स तो आते हैं बट हम उन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें काम करना होता है। हम ऑफिस में होते हैं, स्कूल में होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, हम उसमें इंगेज रहते हैं, जिस वजह से हम थॉट्स पे ध्यान नहीं देते, उसे इग्नोर करते हैं। पर जैसे ही हम घर पे आते हैं रात में सोने के टाइम, उस टाइम हमारा दिमाग में जितने भी थॉट्स जो हमने इग्नोर किए रहते हैं, वो सब एक के बाद एक आने लग जाते हैं और हम उन्हें रोक ही नहीं पाते। हम सारे थॉट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम सोचने लग जाते हैं कि अच्छा ये भी हुआ, अच्छा वो भी हुआ, इतने सारे प्रॉब्लम है, अब क्या करूँ नहीं करूँ, और हमारा सर दर्द होने लग जाता है। यही कारण है कि बहुत लोग कोशिश करते हैं सोने की, उन्हें नींद नहीं आती, लेट रात तक वो जगे रहते हैं, फिर उन्हें कुछ नहीं मिलता तो फेसबुक व्हाट्सएप पे अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं कर पाते। देखते देखते टाइम बीतते जाता है और उन्हें इस चीज़ का भी टेंशन होता है कि फिर सुबह उठना है। और इसी दौरान वो क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती, वो सारे थॉट्स को लेते हुए अपने माइंड में सोने लग जाते हैं और धीरे धीरे उनके नींद आ जाती है और वो सारे थॉट्स माइंड में ही चलते होते हैं, उसी दौरान वो सो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है कि आपके माइंड में वो थॉट्स चल रहे हैं, आप सो गए हैं लेकिन आपके माइंड में वो थॉट्स चल रहे हैं, और वो माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट, स्ट्रेसफुल थॉट्स, जितनी भी थॉट्स हों, वो सारे धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंटर करने लग जाते हैं। क्योंकि आप ऐसा एक दिन नहीं करते, आप ऐसा सालों से करते आ रहे हो, तो वो जब हम कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कर जाती है। सबकॉन्शियस माइंड को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो थॉट्स आपको बर्बाद करने के लिए या फिर आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो आपके लिए गलत है या फिर आपके लिए सही है। मैंने सबकॉन्शियस माइंड पे और ऐसे बहुत सारे डिटेल अपने वीडियो में डाले हुए हैं अपने चैनल पे, आप ज़रूर उन्हें देखें ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ आएँ। तो जब आप ऐसे थॉट्स को लेके सोते हो तो आपकी प्रोग्रामिंग वैसे ही होने लग जाती है। यही वजह है कि लोग सुबह में उठते हैं तो अपने आप को बहुत ही लो एनर्जी फील करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जब आप अच्छे से सो के उठो तो आपके माइंड फ्रेश होना चाहिए। लेकिन हम अच्छे से सोते नहीं, हमारे माइंड में तो थॉट्स, नेगेटिव वरी वाले थॉट्स चल रहे होते हैं, इस वजह से हम सुबह उठ के भी बहुत इरिटेशन फील करते हैं, हमें मन नहीं करता कुछ करने का। फिर उसी मूड में हम उठते हैं और ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बिकॉज़ वो हमें करना है, तो हम वैसे ही अपनी ज़िंदगी चला रहे होते हैं, फिर रात को फिर वही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे चेंज यही करना है कि आप जब भी रात को सोने आओ, आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं आप उनसे भागो मत। क्योंकि आपने ये सुना होगा कि हम जब भी किसी चीज़ से भागते हैं वो चीज़ें हमें उतनी रफ्तार से हमारा पीछे करती हैं। जैसे आप सोचोगे कि मुझे निगेटिव थॉट नहीं सोचना, नहीं सोचना, उतना ही वो आपके माइंड में आएगा। तो हमें क्या करना है, जब निगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड में कुछ चल रहे हैं तो उससे भागो मत, उसे देखो कि आखिर क्या चल रहा है, उसे वॉच करो कि अच्छा क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, खुद से बात करो। अच्छा, उसको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दो उसी वक्त उस थॉट के लिए कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, बात की बात है, मैं इसको सॉल्व कर लूँगी, या एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो भी आपकी हो अपने प्रोग्राम को, अपने जो भी अपने माइंड का प्रोग्राम है आपका, जो चल रहा है माइंड में, जो भी थॉट्स चल रहे हैं, उस हिसाब से आप पॉजिटिव स्टेटमेंट दो कि जो भी उसके लिए आप दे सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके माइंड में क्या थॉट्स चलते हैं। सो आप अपने हिसाब से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट उसे दे सकते हो। जैसे अगर मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, तो मैं एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दूँगी कि मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर सकती, मैं ये चीज़ ज़रूर ही करूँगी और मैं करके दिखाऊँगी। ऐसा हुआ पॉजिटिव स्टेटमेंट। और जैसे ही आप एक दो दिन ऐसा करते रहोगे ना, तो देखोगे कि वो जो निगेटिव एक थॉट्स जो आपको बार बार परेशान कर रही थी ना, वो स्लो होने लग जाएंगी। और ऐसा करते करते आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव माइंड को तैयार कर पाओगे। तो दोस्तों, हमेशा ये कोशिश करें कि रात में सोने से पहले कुछ अच्छी चीज़ों को सुने, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, या कुछ ऐसा करते हुए ही सोएं, या फिर अपनी ड्रीम लाइफ विजुलाइजेशन करें, जिस पे भी मैंने वीडियो बनाई है कि अपनी ड्रीम लाइफ आप कैसा चाहते हो, आप फील करें कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हो।
जब ऐसे थॉट्स के साथ हम सोते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग वैसे ही होने लग जाती है, और आप देखोगे कुछ दिन में आपके अंदर चेंज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड वही काम करता है कि जो आप उसे काम देते हो। नेगेटिव सोचने के लिए दोगे तो नेगेटिव सोचेगा, पॉजिटिव सोचने के लिए दोगे तो पॉजिटिव सोचेगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है ना, जो आप सोचते रहते हो दिन भर अपने दिमाग के अंदर, आपका बॉडी भी वैसे ही एक्ट करता है। नेगेटिव सोचो, नेगेटिव रिजल्ट देगा, आपका बॉडी और सही एक्शन करेगा, और आपको हमेशा रिजल्ट नेगेटिव मिलेंगे। पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव मिलेंगे। ये आपके अंदर है कि आप क्या कर सकते हो, ये पूरी इसकी पावर आपके अंडर है कि आप जो चाहो सोच सकते हो, इसकी पूरी आज़ादी है, कोई आपको नहीं रोकता। ये हम ही हैं जो अपनी सोच को अच्छा बना सकते हैं, और हम ही हैं जो अपनी सोच को बुरा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज ये डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, जो चाहते हो उस पर वर्क करो, और आप देखोगे कि रिज़ल्ट ज़रूर ही आएंगे। और हमेशा ये याद रखना कि 24 आवर्स में 60,000 थॉट्स एक इंसान के अंदर चल रहे होते हैं, और जो 90% थॉट्स जो आपके हैं, अगर निगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, वो 90% थॉट्स हर रोज़ रिपीट होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपने निगेटिव थॉट्स अपने लिए बना रखी है तो लाइफ कैसी होने जा रही है। सो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि रात में कभी भी टेंशन, वरी या फिर फालतू थॉट्स लेके ना सोएं, हमेशा कुछ पॉजिटिव पढ़ के या पॉजिटिव सुन के सोएं, जिससे आपका माइंड वैसे प्रोग्रामिंग हो पाए, और आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई आपके लिए अगेंस्ट में ना काम करे, आपके अच्छे के लिए काम करे, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ें जो आप उसके अंदर डाल रहे हो वो अच्छी है या बुरी है, वो सिर्फ रिज़ल्ट देना जानता है। जो भी उसके अंदर जाएगी बात, वो उसका रिज़ल्ट बाहर आपको देगा एक्सटर्नल वर्ल्ड में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।